सुनिए किसका बात कर रहे हैं, पुबर्टी का हम लोग है, दूसरा क्लास है। इनकम इनइक्वालिटी क्या होता है सुनो, इनकम इनइक्वालिटी माने किसी का इनकम कम है तो किसी का इनकम, क्या इनकम सभी लोग जितने बैठे हैं सभी का फैमिली में इनकम सेम सेम है क्या, किसी का इनकम कम है तो किसी का इनकम, क्या कारण है इसके, वेल्थ के कारण, वेल्थ, किसी के पास धन कम है तो किसी के पास धन, और जिसके पास धन ज्यादा है उसका स्वाभाविक से बात है इनकम ज्यादा होगा, धन का कुछ ना कुछ प्रयोग करेगा, या धन को बेच करके बड़ा बिजनेस चालू करेगा, बेच के वाला बिजनेस, या बेच करके तुमसे ज्यादा धनी हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब मान लो आप नहीं कमा रहे हो और एक जन कमा रहा, आय में असमानता तो आना है, इसको हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कहते हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रहा, महंगाई। अब महंगाई किसी पे असर डालता है, किसी पे असर, महंगाई किस पे असर डालता है, जिसका इनकम कम होगा, जिसका इनकम, मान लीजिए जिसका इनकम कम है वो खा रहा कमा रहा जीरो हो जा रहा, जिसका इनकम ज्यादा है वो बचा भी रहा है, तो इन्फ्लेशन के कारण होता है इनकम इनइक्वालिटी, महंगाई के कारण। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर बराबर का मौका नहीं मिलता है, सब लोग बोलते हैं ना, सब लोग सब काम नहीं कर सकते, सबके लिए मौका नहीं होता है, इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, सबको मौका नहीं मिलता कमाने का, ये दिक्कत है। टैक्स इवेशन, टैक्स का चोरी हो जाता है हमारे देश में, कितने लोग तो कमाते हैं टैक्स ही नहीं देते हैं। कितने लोग कमाते हैं टैक्स नहीं देते, टैक्स इवेशन, रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है भाई, सबसे सेम टैक्स लिया जाएगा, सेम टैक्स को वसूला जाएगा, इसको कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। अब कम कमा रहे तब भी आपको सेम टैक्स देना पड़ रहा, और जो ज्यादा कमा रहा तब भी उसको सेम टैक्स देना पड़ रहा, इसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेसिव टैक्स, क्या कहते हैं। और न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी है, एग्रीकल्चरल का भी नया स्ट्रेटजी आ गया कि भाई नए क्वालिटी का बीज डालेंगे, हाई क्वालिटी यील्डिंग सब्सेट्स, हाई क्वालिटी का हम बीज डाल के खेती करेंगे। अब मान लो कोई किसान है जो खेत का अनाज डाल दिया और कोई किसान खरीद करके बीज डाल रहा था, उसका फसल ज्यादा होगा, आपका फसल कम होगा, ये पूरे के पूरे कारण है, किसके कारण है, इनइक्वालिटी इनकम इन इंडिया। बोलो क्या बोले हैं, तो क्या क्या कारण बताए हैं, पहला वाला क्या बता, बोलिए क्या बोले हैं, इनइक्वालिटी ओनरशिप ऑफ वेल्थ, इनइक्वालिटी ओनरशिप ऑफ। अब जैसे बिहार का आप देख लीजिएगा, बिहार का दुर्गति काफी ज्यादा है, दुर्दशा खराब है, कारण समझते हैं। पहले तो वहां पे ऐसा डेटा कहता है, हम मैंने तो इस पर सर्वे नहीं किया, ऐसा डेटा कहता है कि वहां के किसानों के पास ज्यादा, तो वहां किसान का काम होता है, वहां के किसानों के पास 60% किसान के पास खेते नहीं है, भूमिहीन है, जमीन नहीं है 60% लोगों के पास, बचा कितना भाई 40%, और 40% भी, 40% अभी से 35% लोगों के पास 2 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है, 2 बीघा यानी 40 कट्ठा, 2 बीघा यानी 40 कट्ठा से ज्यादा जमीन नहीं है, मतलब 5% लोगों के पास जमीन है। अब ये जो 35% खेती करते हैं, ये खेती जो करते हैं बिहार के लोग सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए करते हैं, 2 बीघा में कितना खेती कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ खाने वाला खेती होता है बिहार में, बेचने वाला कमाने वाला खेती नहीं होता है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्या क्यों भाई, जमीन ही नहीं लोग के पास, जमीन नहीं है, जमीन नहीं, इसीलिए देखिएगा सबसे ज्यादा जो जमीन का रेट है वो बिहार के जमीन का रेट है। समझ रहे हैं, यहाँ तो जमीन का रेट कुछ है ही नहीं, वहां का जमीन का रेट आप तुलना करके देख लीजिएगा, अपने गांव कस्बा बाजार जो भी होगा आपके आसपास में जहां जाते होंगे पता कर लीजिएगा जमीन का रेट, सब है नहीं, कम लोग के पास जमीन है, अब लोग जमीन खरीदना चाहते हैं, मिलता है तो खरीदते हैं, ज्यादा दाम देके खरीदते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो देखिए वहां पे कितना इनइक्वालिटी है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे नहीं समझ रहे? तो पहला क्या बोले, बोलो, इनइक्वालिटी इन ओनरशिप ऑफ वेल्थ। दूसरा क्या बोले, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, क्या है, बेरोजगारी रहेगा तो भाई दिक्कत है। फिर क्या बोलिए, इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण। फिर क्या, इनइक्वालिटी इन द अपॉर्चुनिटी, किसी को अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, इनइक्वालिटी इन द अपॉर्चुनिटी, टैक्स इवेशन, लोग टैक्स का चोरी कर लेते हैं, रिग्रेसिव टैक्स, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी। सरकार क्या किया कि इनइक्वालिटी इनकम, इसको कम करने के लिए, पूरा तो खत्म नहीं कर सकता है, बोला खत्म करने के लिए हमने कदम उठाए हैं, सरकार ने क्या किया, टैक्सेशन का पॉलिसी लाया, बोला ज्यादा इनकम है ज्यादा टैक्स दो, कम इनकम है कम टैक्स दो। जैसे मान लो इनका इनकम ज्यादा है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया कमाए, सरकार 30 लाख टैक्स ले लिया, कितना इनकम हो गया, और ये 2 लाख कमाए इनसे टैक्स नहीं लिया, तो पहले 1 करोड़ से 2 लाख का कंपेयर होता, अभी कितना से कंपेयर होगा, 70 लाख से 2 लाख का, तो कम हुआ ना इनकम इनइक्वालिटी, कम हुआ कि नहीं हुआ, टैक्स लगा दिया, सोशल सिक्योरिटी लेके आया कि जो लोग नहीं कमा रहे हैं उन लोगों को कुछ मुफ्त में दिया जाए,
ताकि इनकम इनइक्वालिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लेके आया, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मैंने नौकरी देने का प्रोग्राम लेके आया, वेजेस पॉलिसी को सही किया, मजदूरी को सही किया। समझ पा रहे क्या बोल रहे? लैंड रिफॉर्म्स किया, जमीन में सुधार किया, जमीन में क्या किया सरकार ने, सुधार के सब कदम उठाया ताकि इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाए। खत्म तो नहीं होगा, इनकम इनइक्वालिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग, ये हम लोग का एमसीक्यू समझना है। पहला क्या भाई, स्टडी ऑफ पुबर्टी इज डन भाई। पुबर्टी का स्टडी कौन किया था? महालनो बीस कमेटी। बोलो क्या बोले हैं? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट किधर मिलता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर। किधर पाया जाता है भाई? पर्पज ऑफ मगनरेगा। मगनरेगा का पर्पज क्या है कि 100 दिन का लोगों को काम देना है। कितना दिन का लोगों को काम देना है? साल में 100 दिन का लोगों को काम देना है, ये मेन काम है मगनरेगा का। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो क्लास क्लास बोले थे। पुबर्टी का मेजर कौन करता है? हेड काउंट रेशियो। कौन मेजर करता है? यहीं से 4 मार्क्स का कवरेज है। कितना मार्क का कवरेज है भाई? 4 मार्क्स का। बनिया से समझ लीजिए, ये लाइन पढ़िएगा, 4 नंबर आ गया। समझ गए? यस, 1 मार्क्स वाला यहाँ से पूछेगा। आइए, पुबर्टी इज मेजर बाय कौन था बोलिए? हेड काउंट रेशियो। जोर से बोलो, लॉरेंज रेशियो का वैल्यू क्या होता है? 0 एंड 1। 0 एंड 1 मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। मैक्सिमम वैल्यू 1। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट, एलोरी लिख दिए हैं, कैलोरी सी छूट गया है। मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट, सुनिएगा ध्यान से, मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट इन डेफिनेशन ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी के डेफिनेशन में मिनिमम कैलोरी, कैलोरी कितना का दरकार है भाई? 2250 कैलोरी। बोलो क्या बोले हैं? 2250 कैलोरी का मिनिमम दरकार है। मिनिमम कैलोरी कितना चाहिए? 2250। कितना चाहिए? 2250। मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन को कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1964। मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन को कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1964। लेबर विथ 0 मार्जिनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। लेबर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। लेबर का वैल्यू कब? जब एक्स्ट्रा खटोगे बिना मतलब का। लेबर का वैल्यू 0 होगा कब? जब एक्स्ट्रा खटोगे बिना मतलब का। किधर मिलता है ये? बोलो, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं तो बताए थे, पापा का काम नहीं है, आपको ले जाएंगे तब भी 500 कमाएंगे, पूरा परिवार को खटाएंगे तब भी 500 कमाएंगे, अकेला खटेंगे तो 500 कमाएंगे, तो बेहतर क्या अकेला खटो? बेहतर क्या है? आप परिवार को खटाने का माना जाओ, दूसरी जगह से लेके आप 200-400 रुपया ऐड होगा, उसी में क्यों व्यस्त करना है? समझे क्या बोले कि नहीं समझे? अब कितना बच्चा बोलेगा सिखाना चाहते हैं तो सिखाएंगे, एक दिन के डेली सिखाएंगे, सिखाइए एक दिन दो दिन, कभी छुट्टी है तो सिखाइए, डेली सिखाइएगा। आइए, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? लेबर विद 0 मार्जिनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। लेबर का वैल्यू 0 हो जाएगा कहां पे भाई? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में। प्राइमरी रीजन फॉर इनकम इनइक्वालिटी इन अ कंट्री इज अनएम्प्लॉयमेंट। बोला जा रहा है कि इनकम इनइक्वालिटी जो हमारे देश में है, किसी का इनकम कम है किसी का इनकम ज्यादा है, इसका प्राइमरी रीजन है, मुख्य कारण है अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार होना। मुख्य कारण है अनएम्प्लॉयड माने बेरोजगार होना। इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज ड्यूरिंग प्लान पीरियड। प्लान पीरियड में जितना साल प्लान होता है ना, इनकम इनइक्वालिटी और बढ़ जाता है। सरकार प्लान ने क्या था, गरीबी खत्म कर देंगे। पहले गरीबी पे ही तो वोट होता था, पहले गरीबी पे वोट होता था कि हम गरीबी खत्म कर देंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 70 साल से जो राजनीति चलता था गरीबी के नाम पे हुआ, बीच में आ गया धर्म के नाम पे। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? मोदी जी तो जीत गया काला धन के नाम पे, काला धन लेके आएंगे, 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में आ जाएंगे, मोदी जी बोलते थे। समझ रहे? आया 15 लाख? दुखी हैं आप लोग? आना भी नहीं चाहिए। समझ रहे? 15 लाख फ्री का आ जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। बोल दिया गया तो क्या है? महात्मा गांधी बोले नहीं थे वेल्थ विदाउट वर्क, वेल्थ विदाउट, ये पाप है। बिना काम का धन मिल जाएगा ये पाप है। समझ पा रहे? तो 15 लाख के लिए कर्म किए हो, फ्री में चाहिए तो बोल दिया गया भाई इलेक्शन में थोड़ा हवाई फायरिंग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? तुम चाहिए तुमको 15 लाख, फ्री में रुपया मिलेगा देश बर्बाद हो जाएगा, फ्री में रुपया मिलेगा तो देश। अब बताए 15-15 लाख मिल जाएगा तो आधा से अधिक लोग तो साल भर काम करना छोड़ देगा, काम करना छोड़ देगा, किसान खेती करना छोड़ देगा, तो खाओगे कहाँ से रुपया? 15 लाख रुपया ठूसोगे? नहीं समझा? समझ रहा? कितना परिस्थिति खराब हो जाए, मर जाओगे भूखे, वो 15 लाख ला के दिए थे तो। आइए, सब बनिया किए कि नहीं दिए? आइए, किसका बात करें? देखो,
किसका बात कर रहे हैं? प्लान पीरियड। किसका बात कर रहे हैं? प्लान पीरियड में सरकार जब जब आता है कि हम गरीबी हटा देंगे ताले इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाता है, ये ट्रू है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मेन कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी का मेन कारण क्या बताओ? अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी, मेन कॉज ऑफ। चलो आगे बढ़ते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मेनली एग्जिस्ट इन द कौन सा सेक्टर? एग्रीकल्चरल सेक्टर। कौन सा सेक्टर? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किधर पाया जाता है भाई? एग्रीकल्चरल सेक्टर। सीजन के हिसाब से काम चलेगा, सीजन खत्म आराम से दाल भात खाते रहो, समझ रहे हैं? फिर सीजन आएगा तो खटो। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किधर मिलता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर। फिर क्या भैया? अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इरीगेशन फैसिलिटी, सिंचाई नहीं है, समझ पा रहे? खेती बाड़ी का कोई व्यवस्था नहीं, उसके कारण बेरोजगार हो गए, इसको क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल, अरे खेती बाड़ी का काम नहीं चल रहा है, हम बेरोजगार हो गए, तो ये क्या है भाई? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो क्या बोले हैं? नेक्स्ट का, अकॉर्डिंग टू महलानोबिस कमेटी इनकम इनइक्वालिटी इज ग्रेटर इन अर्बन एरिया देन इन द रूरल एरिया। अब महलानोबिस कमेटी का कहना था कि इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा होता है कौन सा एरिया में? इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा होता है अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में। किधर ज्यादा होता है भाई? इनकम इनइक्वालिटी कम ज्यादा होता है शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरिया रूरल एरिया की अपेक्षा, ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा अर्बन एरिया में किसी का इनकम कम है तो किसी का इनकम ज्यादा है। ये कौन स्टडी करके बताया था? महलानोबिस। आप लोग शहर में रहते हैं ना, अर्बन एरिया में रहते हैं ना, यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी कम है। आपका इनकम 10,000 होगा, चलेगा पड़ोसी रहता होगा, वो 1 करोड़ का महीना कमाता है, एक वो पड़ोसी रहता 20 लाख का कमाता है। गांव में अंतर यही होगा कि एक वो 10,000 कमाता है तो वो 15,000 कमाता होगा, एक वो 20,000 कमाता होगा, ज्यादा वहाँ अंतर नहीं होता गांव के क्षेत्र में। लेकिन अर्बन एरिया में तो एक से एक लोग है, अर्बन एरिया में एक से एक लोग है, हर गली मोहल्ले में 200-400 करोड़ का मालिक बैठा हुआ है, आपको नहीं मालूम है, नहीं समझे क्या बोले? करोड़ों का एम्पायर खड़ा करके बैठा हुआ है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हर गरीब मोहल्ला में एकदम आपका पड़ोसी ही होगा, वो नहीं मालूम, पैसा जब उसके घर में चोरी हुआ तब मालूम चलेगा भाई गौर रखा था माल। ये किसका बात कर रहे हैं? हाँ हम लोग एक तो बगल में रहते थे, ऐसे रहते थे, माने शर्ट उट नहीं पहनते थे, ऐसे ही रहते थे। जब उनका दूटो झोरा गायब हो गया तो पता चला दोनों झोरा में पैसा था 3-3 लाख। झोरा में पैसा रखता है, समझ रहे? झोला में दूटो को झोला लेके चला गया तो उनको कोई रिश्तेदार ही ले गया होगा, घर में कौन जाता होगा? तो हल्ला हुआ कि झोला में पैसा टांग हुआ था, उनको दूटो झोले गायब कर दिया, समझ रहे? माने उनका जितना झोला था उस समय पैसा रखते थे, आइए तब मालूम चलता वो पैसा वाला है, तब हिट हुआ कि कैसा आदमी है रे बाबा, फुट में सो जाता है पैसा रखा झोला में। आइए किसका बात कर रहे हम लोग? तो अकॉर्डिंग टू महलानोबिस कमेटी इनकम इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन इन अर्बन एरिया देन इन द कौन सा एरिया? रूरल एरिया। अर्बन एरिया में ज्यादा होता है, शहरी क्षेत्र में इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा होता है रूरल एरिया की अपेक्षा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। कौन स्टडी करके दिया था? महलानोबिस कमेटी। कौन दिया था? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कॉज ड्यू टू रिसेशनरी कंडीशन एंड इकोनॉमी इज नोन एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। रिसेशनरी कंडीशन, देश में मंदी आ गया है, देश में क्या आ गया? मंदी आ गया, काम धंधा कम चल रहा है, उसके कारण जब आप बेरोजगारी होगा, इसको हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? मंदी आ गया, काम नहीं चल रहा उतना, तो काम नहीं चल रहा तो मालूम है किसको हटाया जाता है? जो टारगेटेड एम्प्लॉय रहता है, काम चोर लोगों को एकदम हटाया जाता है, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? कहां पे? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो क्या बोले? तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या हो रहा है? देखो तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कॉज ड्यू टू रिसेशनरी कंडीशन इन एन इकोनॉमी इज नोन एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जितना पढ़ा है एक बार फटाफट पूछताछ करते हैं, बताइएगा। स्टडी ऑफ पॉवर्टी कौन किया था भाई? कौन किया था? दिस गैज अनएम्प्लॉयमेंट किधर मिलता है? पॉवर्टी को मेजर कौन किया था? हेड काउंट रेशियो। दीदी क्या कर रही है? पॉवर्टी को मेजर कौन किया था? हम मनरेगा कितना दिन का काम देता है? 100 दिन। कितना दिन? लॉरेंज रेशियो का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू रेशियो के किसके बीच में होता है? 0 एंड 1। 0 एंड 1। मिनिमम कितना कैलोरी का रिक्वायरमेंट है पॉवर्टी के? 2250। कौन था? मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन। कौन सा ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? 1964। मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था भाई? 1964।
लेबर विद जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड डिसगार्ड अनएम्प्लॉयमेंट. कौन सा डिसगार्ड? तो याद हो गया होगा, जब पिताजी लोग करेंगे डिसगार्ड तो मार देना, तब रख ऐसा करिएगा. नहीं ये सब नहीं करना है, मजाक क्यों बोल रहे, समझ रहे क्या बोल रहे? ये सब नहीं करना, पापा को समझाना है, पापा को समझाना है कि पापा अगर कर पा रहे तो करिए, मेरा जरूरत है, अगर हमसे कमाई बढ़ेगा तो करवाइए. और सिखाने का ऑब्जेक्टिव है तो किसी किसी दिन सिखाइए, डेली मत सिखाइए, समझाइएगा. ताना भी नहीं मार सकते हैं, ये क्या मतलब है? आइए किसका बात कर रहे हैं, चलो नेक्स्ट. क्या कहां पे समझा रहे थे? प्राइमरी रीजन फॉर इनकम इनइक्वालिटी क्या भाई? अनएम्प्लॉयमेंट. फिर क्या अनएम्प्लॉयमेंट इज द कौन सा दस कॉज ऑफ पुबर्टी? पुबर्टी का मेन कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार होना. गरीब कौन होगा जो बेरोजगार है? गरीब कौन है? अब बेरोजगार कौन है जो गरीब है? अरे बेरोजगार कौन है जो गरीब है? बोला हम है. अरे आप लोग स्टूडेंट है, आप लोग बेरोजगार नहीं है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप लोग बेरोजगार नहीं है, आप लोग स्टूडेंट है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट लाइफ को कौन सा लाइफ बोला गया है? गोल्डन लाइफ. समझ पा रहे? बोला गया है ना कि स्टूडेंट इज द लाइफ इज द गोल्डन लाइफ. सच में गोल्डन लाइफ होता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इसलिए बच्चे को मन लगा के पढ़ना चाहिए और पूरा का पूरा अपने माइंड का क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए. पढ़ाई से क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये माइंड विकसित होता है, समझ पा रहे? और ये ब्रेन जिंदा रहता है, ब्रेन जिंदा. ब्रेन को जिंदा रखने का सिंपल उपाय है पढ़ाई करना, समझ पा रहे? और इसको जिंदा रखने के लिए मालूम है कितना साल पढ़ाया जाता है? 25 साल तक आपको पढ़ाया जाता है. कितना साल? ताकि आपका ब्रेन डेवलप हो जाए, किसी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर ले, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसी भी सिचुएशन को अपने अंदर में समाहित कर ले और ब्रेन आपका हमेशा के लिए जिंदा रहे. हमेशा के लिए क्या रहे? जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो ये काम करते हैं, क्या बोलते हैं, लेबर का काम करते हैं, उनका ब्रेन डेड कर चुका होता है. बात करके देखिएगा ना, बात करके देखिएगा, सोचने का शक्ति ये सब खत्म रहता है, क्योंकि उनका तो 25 साल वैसा एकेडमिक रहा नहीं और उसके बाद आ गए कहां पे? लेबर का काम करने में. तो ब्रेन 25 साल में ऐसे डेड है और फिर आप समझ पा रहे काम करे किसका? लेबर का. वहां पे और डेड हो जाता है. तो ब्रेन को जिंदा रखने का मात्र एक ही उपाय है, एजुकेशन. समझ गए क्या बोले? और जब एक बार एजुकेशन मिल जाएगा, काम धंधा में रहोगे तो वहां भी एजुकेशन लेते रहोगे, काम धंधा वाला. वहां एजुकेशन लेते रहेंगे कौन सा भाई? नहीं समझे? जैसे अभी क्या हम लोग नहीं पढ़ते, काम धंधा वाला पढ़ाई पढ़ते हैं कि इंप्लॉय को कैसे मैनेज करना है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्केलेबल करना है, बढ़ाना कैसे है. समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? नेक्स्ट टारगेट हम लोग का क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इसका स्टडी तो आदमी करता ही है. नहीं समझे क्या बोले? और डिफरेंट चीज सीखते हैं, डिफरेंट चीज सीखते हैं तो शेयर भी करते हैं, शेयर करते हैं अपने फैमिली में, शेयर करते हैं दोस्त यार में, शेयर करते हैं ताकि वो बिजनेस करने जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा तो परेशानी नहीं होगा. कभी कभी बच्चे लोगों से भी कर देते हैं. आइए किसका बात कर रहे हैं हम लोग, बोलो. अब कभी कभार क्या करते हैं? डेली करिए, डेली करें, डेली करने का बोला है, डेली करना है. आइए कहां पे हम लोग, बोलो. अनएम्प्लॉयमेंट मेन कारण क्या भाई? गरीबी का. आगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किधर मिलता है भाई? एग्रीकल्चर सेक्टर. किधर मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट? किसका कारण है? लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी के कारण, माने खेती बाड़ी का काम कम चल रहा है, उसको क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. क्या कहते हैं? महालाना बीस कमेटी क्या बोला था कि अर्बन एरिया में इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा होता है रूरल एरिया की अपेक्षा. ये स्टेटमेंट ट्रू है. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ड्यू टू रिसेशनरी कंडीशन. ड्यू टू इन एन इकोनॉमी, इन एन इज नोन एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इज नोन एज. चलिए बुक खोलिए, मार्क करते हैं. क्या बताए थे कारण क्या है इनकम इनइक्वालिटी का? पहला क्या? इनइक्वल ओनरशिप ऑफ वेल्थ. फिर क्या बोले? इन्फ्लेशन, टैक्स इवेशन. समझ पा रहे क्या? अनएम्प्लॉयमेंट एक कारण है इनकम इनइक्वालिटी का. इनकम, सरकार बहुत सारा कदम उठाया इनकम इनइक्वालिटी को खत्म करने का. बुक खोलो, मार्क करते हैं. चलो पेज नंबर आ जाओ 78 में. पेज नंबर 78 में आइए.